हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज अपन जानने वाले हैं OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसी के बारे में। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको है OTR एक बार जरूर करना पड़ेगा। OTR का मतलब हो गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो कि एक बार यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी वैकेंसियां हैं, जैसे कृषि पर्यवेक्षक ले लो या और जितनी भी वैकेंसियां हैं, उनके आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का चार्ज नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, आप फिर यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन पहले आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसकी फीस की बात करें तो यहां पे देखिए, जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरियां हैं उनके तो लग रहे हैं 400 रुपए, जबकि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके यहां पे फीस लग रहे हैं 600 रुपए। तो एक बार आपको यह OTR करना पड़ेगा, तो इसी के बारे में आज अपन जानते हैं। तो देखिए, OTR करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे और आपको टाइप करना है www.sso.id.com। ये आपको टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो नीचे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये फर्स्ट इंटरफेस यहां पे देख सकते हैं sso.rajasthan.gov.in, इस पे आपको जाना है। जैसे आप इस पे जाते हैं तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा देखिए यहां पे आपके सामने ओपन हो जाएगा, यानी ये OTR है आपकी SSO ID से होगा। तो यदि आपका SSO ID नहीं बना हुआ है तो इस पे रजिस्ट्रेशन पे जाके और यहां से आप SSO ID बना सकते हैं। और यदि आपके पास पहले ही SSO ID बनी हुई है तो लॉगिन के ऑप्शन पे आपको जाना है और फिर यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है SSO ID टाइप करने का। यहां पे आपको अपनी SSO ID टाइप करनी है, यहां पे आपको पासवर्ड टाइप करना है और जो भी आपके कैप्चा आ रहा होगा वो कैप्चा यहां पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए लॉगिन के ऑप्शन पे यहां से चले जाइएगा, यानी यहां से आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आप अपनी SSO ID भूल चुके हैं तो यहां से देखिए आई फॉरगॉट माय डिजिटल SSO ID से जाके और प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी SSO ID के पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो भी यहां से आप ले सकते हैं आई फॉरगॉट माय पासवर्ड पे क्लिक करके। तो जैसे आप ये कर लेते हैं तो देखिए आपको लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और यहां पे देखिए आपको सर्च करना है, ये देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहां पे आपको सर्च कर लेना है रिक्वायरमेंट पोर्टल, ये वाला पोर्टल आपको सर्च कर लेना है। यदि आपके यहां पे ये नहीं आ रहा है तो यहां पे सर्च कर लीजिएगा रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अदर एप्स पे जाके भी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा रिक्वायरमेंट, ऐसा देखिए इसका लोगो है रिक्वायरमेंट पोर्टल, ये आपको सर्च करना है और इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट, यानी अभी जो जो वैकेंसी आई हुई है उनके एप्लीकेशन फॉर्म यहां से देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यदि आपने OTR नहीं कर रखा तो पहले उसका ऑप्शन आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए यहां पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, यहां पे देखिए यहां पे OTR का ऑप्शन आ रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहां पे ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे। यहां पे देखिए इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा देखिए यहां पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहां से आपके OTR का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है यहां पे देखिए, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो यस पे आपको क्लिक कर देना है। OTR है आप तीन चीजों से कर सकते हैं, यानी एक तो आप अपने जन आधार कार्ड से कर सकते हैं, इसके अलावा आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, और यदि आपकी SSO ID पूरी तरह अपडेटेड है तो आप अपनी SSO ID से भी OTR का काम या प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जन आधार कार्ड से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर डालने हैं। जैसे आप जन आधार कार्ड नंबर डालते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, फेच मेंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप फेच मेंबर पे क्लिक करेंगे तो पूरे कैंडिडेट जितने भी आपके जन आधार कार्ड में हैं वो सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी, सबके नाम, और इसके अलावा जन आधार मेंबर ID आपको एक शो हो जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आधार नंबर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जैसे आप जन आधार मेंबर ID पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, OTP सेंड करना है, जो आधार कार्ड से लिंक का आपका मोबाइल नंबर उस पर एक OTP जाएगा, सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल यहां पे आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी यहां पे फिल हो जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सारी डिटेल फिल होने के बाद यदि आपकी वो डिटेल सही है, आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि जो आपकी डिटेल आई है फेच हुई है वो सही है या नहीं है। यदि आपकी सारी डिटेल सही है तो फिर देखिए वेरीफाई OTR पे यहां पे आपको क्लिक करना है, वेरीफाई OTR पे। और यदि आप चाहते हो आधार कार्ड से करना तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, यहां पे देखिए जन आधार कार्ड के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आधार कार्ड, यहां पे आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम आधार कार्ड। तो आधार कार्ड से करना चाहते हो तो यहां पे आपको आधार कार्ड नंबर डालने हैं और फिर यहां पे एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री पे क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड पे आपके पास OTP जाएगा और आगे की जो भी डिटेल है वो यहां पे पूरी फिल हो जाएगी। इसके बाद देखिए SSO ID से भी आप कर सकते हैं, यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम SSO प्रोफाइल, तो आप SSO ID से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप ये चीजें करते हैं तो सारी डिटेल आपकी जब अच्छे से आपको लगे कि सारी डिटेल सही है तो उसके बाद देखिए वेरीफाई OTR पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप वेरीफाई OTR पे क्लिक करते हैं तो आगे का इंटरफेस आपके सामने ऐसा देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी आपके यदि डाटा सही है तो देखिए फेच डाटा सही है तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा फेच एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और यदि ये सारी डिटेल सही है जो यहाँ पे ऊपर जो भी डिटेल आ रही है, यानी आपके आधार कार्ड नंबर हो गए, जन आधार कार्ड नंबर हो गए, आपका नाम हो गया, आपके फादर्स का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यदि सही है तो फिर आपको क्या करना है, पे फीस पे आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ रहा है ना एक पे फीस का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे फीस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यानी आप आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप देखिए राजस्थान के मूल निवासी है, यस। उसके बाद देखिए कैटेगरी का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, रिजर्व या अनरिजर्व, यानी आप STSC OBC में MBC में आते हैं तो आप रिजर्व में कर सकते हैं, और यदि अनरिजर्व में है तो फिर आप अनरिजर्व पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये पे आप है स्पेशल पर्सन है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो। उसके बाद देखिए यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद पे फीस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे फीस पे क्लिक करते हैं तो आगे का इंटरफेस यहाँ पे देखिए आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बता भी रखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं और रिजर्व में कौन से हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस 400 रुपये लगेगी, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस 600 रुपये लगेगी। उसके बाद देखिए जैसे आप पे फीस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए फीस का ऑप्शन भी आ गया। पे फीस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस देखिए ऐसा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तीन ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, नेट बैंकिंग और यहाँ पे देखिए एग्रीगेटर और QR कोड का मिल रहा है, तो आप QR कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप QR कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फोनपे का, फोनपे पे आपको क्लिक कर देना है और पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आगे का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपका फोनपे है उसके ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे यदि आपके इसी फोन में है तो, और उस पर आपका OTP जाएगा, OTP पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर QR कोड का ऑप्शन आएगा, QR कोड को स्कैन करके और आप पेमेंट कर दीजिएगा। 410 रुपये आपका होगा यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, और यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 600 रुपये आपकी फीस लगेगी। वो पेमेंट करने के बाद यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू रिसिप्ट का, ये देख लीजिए व्यू रिसिप्ट का यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपने जो पेमेंट किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ से आप रसीद देख सकते हैं। इस प्रकार आप अपना ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल का, बोनाफाइड डिटेल का, कास्ट सर्टिफिकेट का, डिसेबिलिटी का, मैरिज सर्टिफिकेट का और पुलिस कैरेक्टर का। यदि ये आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, वैसे भी आपका जो OTR है उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आप इनको लगा दीजिएगा, और यदि आप लगाना चाहें तो क्वालिफिकेशन डिटेल भी आप लगा सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। केवल उनके जैसे आप अपने जो ये क्वालिफिकेशन डिटेल लगाना चाहते हैं तो जैसे आप रोल नंबर लगाएंगे 10th के रोल नंबर, 12th के रोल नंबर, ऑटोमेटिक सारी डिटेल आ जाएगी। ऐसे आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के आपको केवल नंबर लगाने हैं सर्टिफिकेट के, ऑटोमेटिक वो वहां से कैच कर लेगा। तो ऐसे आप ये लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाए तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आपका OTR का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। OTR का प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें वैकेंसी का फिल करना चाहे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएंगे जैसे आप OTR का प्रोसेस पूरा होता है, तो ऐसे आप अपना OTR का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और यहाँ से फिर रसीद देख सकते हैं। तो आप अपना OTR का प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा, यदि आपसे नहीं भी होता है तो आप ईमित्र पे जाके करवा लीजिएगा। पेमेंट करने से पहले आप अपनी सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यदि आप पेमेंट कर देते हैं और आपकी डिटेल गलत है तो फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से सारी डिटेल चेक करके आपको अपना OTR का प्रोसेस पूरा करना है। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आपसे नहीं हो रहा तो आप मित्र पे करवा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।